छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र के ग्राम सिलावट से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें एक 10 साल की लड़की की करीब एक माह के उपचार के बाद मौत हो गई। बताया गया है कि लड़की को कुत्ते ने काटा था, लेकिन जब उसका परीक्षण किया गया तो उसके शरीर में सांप का जहर पाया गया। शुक्रवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्राम सिलावट निवासी गौरीशंकर पाल ने बताया कि गांव के कुशवाहा परिवार की 10 वर्षीय बच्ची क्रांति कुशवाहा को करीब एक माह पहले गांव के एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। परिजनों ने क्रांति को सटे अस्पताल ले जाकर इंजेक्शन लगवाए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद परिजन क्रांति को छतरपुर जिला अस्पताल लाए। छतरपुर में जब क्रांति का परीक्षण किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में सांप का जहर फैला हुआ है। पिछले करीब एक सप्ताह से क्रांति की हालत लगातार बिगड़ती नजर आ रही थी। उसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। बीती रात करीब 2 बजे क्रांति ने अंततः दम तोड़ दिया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस कुत्ते ने क्रांति को काटा था उससे कुत्ते को सांप ने डसा होगा, जिस कारण से कुत्ते के शरीर में सांप का जहर होगा, और इसके बाद कुत्ते ने क्रांति को काट लिया, जिस कारण से सांप का जहर उसके शरीर में आ गया होगा। गौरीशंकर पाल, सिलावट, क्रांति, 10 साल। क्या घटना हुई? एक माह पहले कुत्ते ने काटा था लड़की को, फिर इसके बाद सटाई स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चला तो वहाँ 2 इंजेक्शन लगाए। इसके बाद फिर आए यहाँ छतरपुर में, तो यहाँ पर जांच हुई तो जांच में बताया है कि सांप का जहर है। क्या मानते हैं, कुत्ते को सांप ने काटा? हाँ, यही है, कुत्ते को सांप ने काटा है, फिर कुत्ते ने लड़की को काटा है। अभी हालत कब से खराब है? हालत लगभग 6-7 दिन पहले से ज़्यादा हालत थी, तो यहाँ 5 दिन पहले से भर्ती हैं। कितने बजे खत्म हुई? रात को 2 बजे। पोस्टमार्टम चल